नॉटी निशांत, इनशॉर्ट एनिका, खुराफाती कॉल, अब बजेगा ढोल। हेलो, हाँ संजीव, मैं गोपाल चतुर्वेदी बोल रहा हूँ डिपार्टमेंट से। हाँ जी सर, बोला जा। आपके पास एक बाइक है जिसका नंबर है GS01 56, तो ये आपकी गाड़ी है? जी सर। आप अपनी गाड़ी के पेपर्स और अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेके हमारे ऑफिस पहुंच जाइएगा। मैं क्यों आऊंगा, क्या हुआ क्या है? आपने बहुत ही गंदे तरीके से बाइक चलाई है और उसके बाद फिर आपने जो कटिंग मारी थी मेन रोड में, आपके पीछे जो कार वाले थे उस गाड़ी में एक बच्चा था, उसे काफी चोट आई है, तो आपका नंबर जो है वो हमने ट्रस्ट किया है और उसके बाद फिर आपका सारा डिटेल हमने निकाला। नहीं सर प्लीज सर, ऐसा मत कीजिए सर। नहीं, आपकी वजह से किसी को काफी चोट आई है तो आपको तो आना ही पड़ेगा। सपोज अगर आप नहीं आते हैं तो आपके घर पे एक नोटिस जाएगी। प्लीज सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए सर, मैं आपको आना तो पड़ेगा संजीव, और इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं सर प्लीज सर, ऐसा मत ना कीजिए प्लीज सर। हमारे पास सारा डिटेल होता है, कोई हमसे बच नहीं सकता, समझ में आ गई बात? प्लीज सर प्लीज। नहीं आओगे तो आपको पता है आपके घर पे एक नोटिस जाएगी। नहीं सर प्लीज ऐसा मत कीजिए प्लीज। हेलो, नॉटी निशांत बोल रहा हूँ रेडियो धूम से, तुम्हारा ढोल बज गया है। ओह माय गॉड, तुम इस तरीके से क्यों बाइक चलाते हो? मेरा ढोल बजा दिया। तुम्हारी सिस्टर है अनामिका? अच्छा हाँ। तो तुम्हारी सिस्टर ने तुम्हारा ये नंबर दिया, उसने बताया कि मेन रोड में जब भी तुम अपनी सिस्टर को लेके बाइक से जाते हो तो हेलमेट नहीं पहनते और अक्सर उसे यही करते हो कि अरे ये ट्रैफिक वाले मेरा क्या कर लेंगे। कसम से सर, मुझे लगा कि सच में फोन आया, यू नो मेरे तो नस काप काप पे, हालत खराब हो गया मेरा तो। अब ये प्रॉमिस करो कि अब आज के बाद बिना हेलमेट पहने हुए अपनी बाइक नहीं चलाओगे और साथ ही साथ जितने भी ट्रैफिक रूल्स हैं उनको फॉलो करोगे और ये स्टंटबाजी छोड़ दो। एकदम पक्का प्रॉमिस सर। नॉटी निशांत, इन शॉर्ट एनिका, खुराफाती कॉल, अब बजेगा ढोल।